Assalamualaikum, मैं आपकी कुक विद हेना और आज मैं बनाने वाली हूँ इंडियन स्टाइल में स्पैगेटी वेजिटेबल जो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीला लेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। अब इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर देंगे और साथ ही नमक ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। और स्पैगेटी जो है वो हमारी बॉयल हो चुकी है, अब हम इसे छान लेंगे। और इसके अंदर पानी डाल के इसे अच्छी तरह धो लेंगे ताकि हमारी स्पैगेटी जो है वो ठंडी हो जाए। अब एक पैन लेंगे, पैन के अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म होने के अंदर चॉप्ड लहसुन ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च और साथ प्याज भी ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। और हमने इसे फ्राई कर लिया है, अब हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे, इसे फ्राई करेंगे, सोया सॉस ऐड कर देंगे, विनेगर ऐड करेंगे, हॉट सॉस ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 5-7 मिनट तक खूब अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और हमने खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, अब हम इसके अंदर स्पैगेटी ऐड करेंगे, इसे हमने कर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब इसे कांटे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सारी इसकी। और हमने इसे मिक्स कर लिया है, एक बार दोबारा चलाएंगे और इस तरह मज़ेदार स्पैगेटी जो है वो हमारी रेडी है। अब हम इसे प्लेट में डिश में सर्व कर लेंगे और इस तरह हम निकाल लेंगे चमचे की मदद से प्लेट में। वेजिटेबल स्पैगेटी जो है वो हमारी रेडी है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना।